अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लतीफ़ नियाज़ी है। मैं जापान से ये वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब और मीडिया पे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये शेख रशीद साहिब रशीद टल्ली जो कि नहायत ही बदतमीज़ इंसान है, और जब ये 2004 में जापान में आया उसके क्या हालात थे और इधर इसने क्या क्या हरकतें की, वो इंशाअल्लाह ताला रमज़ान मुबारक के बाद एक और वीडियो रिकॉर्ड करके भेजूंगा। मैं सिर्फ इतना शेख रशीद को बताना चाहता हूँ, शेख रशीद मैं वो शख्स हूँ कि जब तूने दोस्तों ने तेरे से पाकिस्तान के हालात के मतलब पूछा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मतलब बात हुई, तो तूने बेगम कुसुम नवाज के मतलब जो ज़बान इस्तेमाल की थी उस पर मैं जब बोला और मैंने तेरे से कुछ सवाल किए थे, तो उन्हें बोला मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता, आप बदतमीज़ लग रहे हो मुझे। मैं वही बदतमीज़ बोल रहा हूँ जो तेरी नज़रों में बदतमीज़ था। और उसके बाद मैंने भी आपको यही बोला था रशीद टल्ली साहब कि ठीक है ये जापान है, ये पाकिस्तानी है। तो उन्हें जिस तरीके से मुझे बोला और मेरे दोस्तों को बोला ये बंदा किधर रहता है, क्या करता है, इसका पीछे का मुझे एड्रेस दो, ये करो वो करो, तो मैंने तुझे खुद एड्रेस दिया था। और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि तू आजकल सदर पाकिस्तान और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के मतलब जो ज़बान इस्तेमाल तूने की है, और मैं इंशाअल्लाह ताला बफजले ज़िंदगी रमज़ान दो रोज़े रह गए हैं, उसके बाद मैं एक और वीडियो बना के भेजूँगा और मैं तेरे से पूछूँगा, अगर मर्द का बच्चा है तो अपने जवाब देना कि शक्ल मोमना कटूत है काफरा और तेरी औकात क्या है, मैं सब तुझे बोल के बताऊँगा। अगर तेरे में हिम्मत है तो मेरे को जवाब देना, नहीं तो मीडिया पे बैठ के मेरे सवालों का जवाब देना या मुझे कोई अपना नंबर देना, मीडिया पे बैठ के मैं तेरे से कोई सवाल करूँगा उसके जवाब देना कि तुम लोगों की इज्जतें कैसे उछालते हो, तुम लोगों की माओ बेटियों क्या देखते हो, क्या करते हो। और जापान में ये तस्वीर, ये जो काली सी है गाड़ियों वाली, ये जब मैंने उतारी और तुमने दूसरे लोगों को बोला कि यार इससे कैमरा छीन लो, ये को मुझे बगैरत का बच्चा लगता है। मैं बगैरत का बच्चा नहीं, मैं गैरत मान लूँ, मैं एक पक्का मुस्लिम लीगी हूँ और मैं इंशाल्लाह ताला तुझे नंगा करूँगा। अभी तक मैं चुप बैठा था क्योंकि तुझे इतना नहीं पता कि परदेसी जब अपने मुल्क के लिए दर्द रखता है वो ना नेशनलिटी देखता है ना कुछ देखता है, और तेरे जैसे बगैरत कंजर लोग टी वी पर बैठ के अपनी बातें लोगों को सुना के मेरा दिल कर रहा है। मैं तुझे अभी मेरे सामने हो तो मैं तुझे पूछूं कि खंजीर औलाद कि तू इधर क्या पीता रहे और रातें कैसे गुजारता रहे, तू इतना कंजर आदमी है कि अभी रमज़ान है इसलिए तेरे से अभी गलत ज़बान में बात नहीं करना चाह रहा। बाकी मैं इंशाअल्लाह ताला अगर तू मर्द का बच्चा है तो मुझे अपना नंबर दे, किसी टी वी चैनल में बैठ जा क्योंकि तू आजकल लुकमान का बड़ा चमचा बना हुआ है, या जिधर भी तू बैठता है मुझे अपना नंबर दे, मैं तेरे पे बात करूँगा, तूने जो मेरा उखाड़ना उखाड़ लेना। और मैं वही बदतमीज़ हूँ बकौल तेरे कि मैं वही बदतमीज़ हूँ जिसके तूने जवाब नहीं दिए थे। और ये काली तस्वीर ये जो है ये याद कर, जब तू निकला था और तूने मुझे देखा तो मैंने कहा था शेख रशीद वक़्त आया तो मैं तुझे बताऊँगा कि ये किस काम आएगी, तो तूने दोस्तों को बोला क्योंकि मैं जापान में 30 साल से रह रहा हूँ। अल्लाह की मेहरबानी से तेरे साथ जो इधर उधर बैठे हुए हैं ये सब हमारे अपने भाई थे, दोस्त थे, और तूने इधर जिस तरीके से जो किया मैं सब कुछ ओपन करूँगा और ईमानी कुरानी तेरे से सवाल जवाब करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो चौधरी सरवर को शराफ फरोश कहता है, कभी किसी को गोलगप्पे वाला कहता है, तेरी औकात क्या है मैं बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला, मैं बताऊँगा। तो कितना बड़ा कुत्ते का इंसान है, कुत्ते का बच्चा है, तेरे जैसे सियासतदानों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, कभी किसी के टुकड़ों पे पलता है, कभी किसी के टुकड़ों पे पलता है, तेरे पास क्या क्या है मैं बताऊंगा। और ये जो तेरे साथ बैठा हुआ है गोंदल साहब, ये और तेरा इसके साथ क्या तल्लक है, कैसे तुम लोगों ने फूंडी की इधर से, कैसे तुमने पाकिस्तान पेमेंट कराई मैं बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला। 2-3-4 दिन रुक जा।